नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाई और आप देख रहे हैं युग वाणी टाइम्स। इंडियन आइडल सीजन 13 आने वाला है और दिल्ली में ऑडिशन स्टार्ट हो चुके हैं। हम इस समय मौजूद है दिल्ली त्यागराज स्टेडियम पे, जहां पर इंडियन आइडल के ऑडिशन चल रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे कि कहां कहां का क्राउड यहां पे मौजूद है, कौन कौन कहां कहां से इंडियन आइडल के सपने लेकर दिल्ली में आया हुआ है। देख सकते हैं किस तरीके का क्राउड मौजूद है। और हम बात करें कहाँ से, मैडम आपका नाम? मैं विकासपुरी, न्यू दिल्ली से हूँ। क्या तैयारी करके आए इंडियन आइडल में? ठीक ठाक तैयारी है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं तो दिल्ली से ही हूँ। क्या तैयारियाँ हैं? बस ट्राई करेंगे सर। ठीक, क्या प्रोफेशनल आप सिंगिंग ही है या आप स्टूडेंट से क्या है? मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बट मेरी हॉबी सिंगिंग है, बचपन से गाती आई हूँ, सो आई थॉट व्हाई नॉट। द फेवरेट जजेस कौन है आपका इंडियन आइडल? हिमेश रेशमिया सर। तो क्या कहना चाहोगे हिमेश सर को? सर, यू हैव एन ऑसम ड्रेसिंग सेंस, आई लव यू। मैं पंजाब से आया हूँ, पंजाब के एक छोटे से गांव गिदड़बाह, जहाँ का जानी लिरिक्स लिखता है, वहाँ से आया हूँ मैं। और मेरी हॉबी सिंगिंग है बचपन से ही, इसलिए मुझे शौक था, पता लगा कि आज त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली में ऑडिशन है, तो हमारा नियर बाय यही पड़ा, इसलिए मैं इधर विजिट किया है आज। तो क्या लगता है कि इन्हें डालने में इतना क्राउड है और आप इतनी भीड़ से? देखिए, ये बात नहीं होती क्राउड, हमें एक अपनी सीट चाहिए होती है और हमारा ये शौक है, शौक के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा शौक था इसलिए मैं यहाँ आया, तो मुझे अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, क्राउड है, बट आई विल वेट फॉर माई टर्न। कुछ सुनाएंगे? हाँ। रात गई पर नींद न आई, आंखें सो गए लोग की सारे, ते तारे अखियां मीचन लग पे, ओ भी सो दे जान बिचारे, यार फरीदो दे पैर में चुमा, जेड़ा विछड़े यार मिलावे, ते साध क्यों कदी सो नहीं सकदे, जेड़े दो नैना दे मारे। जी, आपका नाम? मेरा नाम हनी है और मैं दिल्ली से ही हूँ और ऑडिशन देने आई हूँ इंडियन आइडल का, और इतनी देर से पेशेंस कर रही हूँ, अब फॉर्म ही नहीं मिला मेरे को अभी, अभी और पेशेंस, म्यूजिक पेशेंस मांगता है, तो अभी पेशेंस से मैं बैठी हुई हूँ, फॉर्म मिलेगा उसके बाद कुछ होगा, देखते हैं। का नाम? मेरा नाम विक्रांत सिंह सिंगर है। कहाँ से आए हो? मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश से आया हूँ, कानपुर के पास एक जिला है उन्नाव, तो वहाँ से हूँ। तो क्या लगता है इंडियन आइडल के बारे में, क्या सोच है? लगता क्या है, होना ही है, लाइक हम मेहनत कर रहे हैं, तो भले देर से ही सही लेकिन सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल, इस बात का भरोसा है। और दैट्स इट, मुझे बस अपना 100% देना है और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके। आई थिंक दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। फॉर्म भर चुका है आपका? बस अभी अभी मैं आया हूँ। इतना दिखा दीजिए हमारे, क्या रहा? ये देखिए, मेरा ये है लकी नंबर एंड दिस इज़ माई फॉर्म, तो इसमें इस तरह से मुझे मिला है और इसको भरना है। इसमें बहुत बड़ा फॉर्म है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये, इसको मुझे पहले भरना है। एंड वन मोर थिंग दैट वी हैव टू ऑल्सो साइन ऑन द एवरी सिंगल पेपर, तो हमें हर सिंगल पे साइन भी करना होता है, लॉट ऑफ पीपल फॉरगेट अबाउट इट, तो बाद में रिजेक्शन के चांस हो जाते हैं, तो मैंने जो सीखा है अभी एक्सपीरियंस है, तो हर पेपर में बाद में साइन भी करना होता है, लिखा कहीं नहीं होता है। बेसिकली आप क्या स्टूडेंट है क्या? या आई एम डूइंग बैचलर्स ऑफ म्यूजिक, सो आई एम फाइनल ईयर इन माई ग्रेजुएशन ऑफ म्यूजिक एंड आई हैव ऑल्सो डन 6 ईयर प्रभाकर डिग्री, तो म्यूजिक से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत जानता हूँ। बहुत बहुत से इंडियन आइडल सीजन 13 बहुत जल्दी आने वाला है और दिल्ली में आज उनके ऑडिशन है, जहां हम आपको लेकर चल रहे हैं। आज हम मौजूद हैं दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में, जहां पे इंडियन आइडल 13 के ऑडिशन चल रहे हैं। हम आपको दिखा सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके का यहां पर क्राउड मौजूद है और अपने फेवरेट स्टार हिमेश रेशमिया और नेहा कक्कर से मिलने के लिए और उनको अपना ऑडिशन देने के लिए दिल्ली की पब्लिक यहाँ पर मौजूद है। हम आपको दिखाते हैं कि लाइव तस्वीरें यहाँ की कि किस तरह का क्राउड यहाँ पे मौजूद है। गुरिका